नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें यूपी बोर्ड परीक्षा में हुआ बड़ा बदलाव। 16 फरवरी से नहीं होगी बोर्ड परीक्षा। यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 को लेकर सभी छात्र बहुत मेहनत से तैयारी में जुटे हुए हैं। कक्षा 10वीं 12वीं के सभी छात्र को बता दें यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 को लेकर यूट्यूब पर और अन्य वेबसाइट पर एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि 16 फरवरी से नहीं होगी बोर्ड परीक्षा। आपको बता दें कि यह खबर बिल्कुल फर्जी है और इस खबर की तरह आप ध्यान न देते हुए अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करें और आपकी परीक्षा 16 फरवरी से ही कराई जाएगी। यह बोर्ड की ऑफिशियल साइट से नोटिस जारी किया गया है। यही सच है, यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 अपने निर्धारित समय 16 फरवरी 2023 से ही आरंभ की जाएगी और डेट शीट बिल्कुल सही है और यही डेट शीट बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर अपलोड की गई है। फेक खबर की तरफ ध्यान न देते हुए सभी छात्र अपनी तैयारी अच्छे से करें। यूपी बोर्ड निकाय चुनाव अटकने से हो रही थी देरी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की छूट मिलने के बाद अब चुनाव से पहले यूपी बोर्ड की परीक्षा कराने का रास्ता साफ हो गया है। इस साल 58.67 लाख से अधिक परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षाओं के लिए 8752 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा आधिकारिक बोर्ड परीक्षा 2023 कार्यक्रम की घोषणा की गई है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपनी परीक्षा विवरण को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए प्रक्रिया का विवरण आप सभी को हम अपने वीडियो में बता रहे हैं। यूपी बोर्ड टाइम टेबल डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज प्रदर्शित होगा। होम पेज पर दी गई लिंक को क्लिक करें। इस लिंक को क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और पेज खुलेगा। इस पर अपनी कक्षा का चयन करें। कक्षा का चयन करने के बाद आप कुछ आवश्यक विवरण पहुँचे जाएंगे। इन सभी जानकारियों को दर्ज करें। सभी जानकारियों को दर्ज करने के बाद सर्च विकल्प पर क्लिक कर दें। इस प्रकार से आप एक नई स्क्रीन पर यूपी बोर्ड टाइम टेबल 2023 प्रदर्शित हो जाएगा। आप चाहें तो नीचे दिए गए डाउनलोड के विकल्प से इस टाइम टेबल को पीडीएफ के जरिए सफलतापूर्वक डाउनलोड कर सकते हैं। छात्रों को मिल गया स्कॉलरशिप का पैसा। 10 लाख छात्रों को खाते में भेज रही स्कॉलरशिप। उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति आना शुरू हो चुकी है। जिन छात्रों ने छात्रवृत्ति फार्म भरा था, जिन छात्रों के फार्म का सत्यापन किया जा रहा है, छात्रवृत्ति सीधे उनकी बैंक खाते में भेजी जाएगी। यहाँ मैं आपकी वही इमेज शेयर कर रहा हूँ, यहाँ से आप जान सकते हैं। यूपी बोर्ड के सभी छात्रों के लिए बहुत अच्छी खबर है सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जिन छात्रों ने यूपी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया था, उन सभी छात्रों को स्कॉलरशिप का पैसा ट्रांसफर करने का कार्यक्रम चालू कर दिया गया है और बता दिया गया है। 10 लाख छात्रों के खाते में छात्रवृत्ति भेज दी गई है और अभी बचे हुए छात्रों के खाते में भेजी जाएगी। दोस्तों, इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को